स्नातक की उपाधि ली थी। उसके बाद 21 वर्षों तक नागपुर पीठ में सेवाएं दी हैं, अनेकों ऐतिहासिक जो फैसले हुए हैं उनके गवाह रहे हैं, उनके साक्षी रहे हैं, उनमें भूमिका रही है जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की, और आज वे देश के नए मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे। जस्टिस गोगोई जो कि निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं आज यहां दरबार हॉल में उपस्थित हैं। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस एच एल कानिया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक देश के मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाला था, और तब से आज तक 46 न्यायमूर्ति इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। जस्टिस एच एल कानिया, उसके बाद अनेकों यशस्वी न्यायमूर्ति महोदय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, और न्यायपालिका की हमारे देश में एक जो गौरवशाली परंपरा है उसका पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन किया इन सभी ने। सबसे लंबा कार्यकाल रहा जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ का, 7 वर्ष तक जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, फरवरी 1978 से जुलाई 1985 तक। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़, जिनके सुपुत्र डी वाई चंद्रचूड़ भी इस समय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जस्टिस एच एल कानिया के सुपुत्र भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, यानी एक विरासत, एक परंपरा जो न्यायपालिका में है वो बहुत से उदाहरण हैं हमारे देश के इतिहास में देखने को मिले हैं। जो जस्टिस बी एन कृपाल, जस्टिस पटनायक, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले, बहुत ही धैर्यपूर्ण, देश के आधुनिक इतिहास को मूर्त रूप देने वाले फैसले इन न्यायाधीशों ने किए हैं। और भारतीय न्यायपालिका की जो गौरवशाली परंपरा है उसका निर्वहन किया है इन सभी ने। हाल के वर्षों में जस्टिस दीपक मिश्रा और रंजन गोगोई, जो कि इस समय आपके स्क्रीन पर उपस्थित हैं, निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला, लगातार गणमान्य अतिथियों का आगमन जारी है दरबार हॉल में। श्री प्रकाश जावड़ेकर, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े का आगमन, जो आज देश के 47वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण करेंगे, माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा जिन्हें शपथ दिलाई जाएगी। 1978 में जस्टिस बोबड़े ने महाराष्ट्र बार परिषद के बतौर अधिवक्ता के तौर पर अपना पंजीकरण कराया। 1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता बने जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े। 29 मार्च वर्ष 2000 में बंबई उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में उन्होंने शपथ ली थी। उसके बाद 16 अक्टूबर 2012 में, यानी आज से 7 वर्ष पहले, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए। आज यहां दरबार हॉल में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों के अलग अलग न्यायमूर्ति, अधिवक्ता, अधिकारीगण सभी उपस्थित हैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने के लिए। देश के नए मुख्य न्यायाधीश को आज शपथ दिलाई जाएगी। दरबार हॉल में कई पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी उपस्थित हैं,
जो आज के समारोह का साक्षी बन रहे हैं, जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, उन्हें वकालत विरासत में मिली है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। श्री लालकेश आडवाणी का भी आगमन हो चुका है दरबार हॉल में। जस्टिस बोबड़े के पिता अरविंद श्रीनिवास बोबड़े भी मशहूर वकील थे और जस्टिस बोबड़े ने अपने पिता की जो विरासत है उसको भली भांति ग्रहण किया है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुख भी आज इस समारोह में उपस्थित हैं दरबार हॉल में, नौसेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन दरबार हॉल में, उपस्थित गणमान्य जनों का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। दरबार हॉल, जिसे ब्रिटिश शासनकाल में द एस्टेट थ्रोन रूम के नाम से जाना जाता था, अब यहां प्रमुख समारोह आयोजित किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू का आगमन दरबार हॉल में, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उनका अभिवादन, गृहमंत्री श्री अमित शाह, श्री लालकेश आडवाणी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, कुछ ही समय के पश्चात माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन होगा, जिनके द्वारा श्री शरद अरविंद बोबड़े को देश के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई जाएगी। जस्टिस बोबड़े 2013 में उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे और 16 अक्टूबर 2012 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। लंबा रास्ता तय किया है उन्होंने, देश की न्यायपालिका के शीर्ष पद को सुशोभित करने से पहले 17 महीनों का कार्यकाल होगा उनका। प्रथम पंक्ति में निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश श्री रंजन गोगोई और उनकी श्रीमती रूपांजलि गोगोई भी उपस्थित हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू से विचार विमर्श करते हुए दरबार हॉल, जिसकी क्षमता लगभग 600 लोगों की, देश की प्रथम महिला श्रीमती सविता कोविंद का आगमन हो चुका है दरबार हॉल में। लगभग पूरा खचाखच भरा हुआ ये दरबार हॉल, जो साक्षी बन रहा है आज के इस विशेष समारोह की। जहां राष्ट्रपति महोदय द्वारा न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को देश के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई जाएगी। दरबार हॉल जहां पर प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने शपथ ली थी, माननीय राष्ट्रपति महोदय का आगमन।
महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे, I Sharad Arvind Bobde, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws, and that I will uphold the Constitution and the laws. माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए। माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े को देश के नए मुख्य न्यायाधीश की शपथ दिलाई। माननीय राष्ट्रपति महोदय दरबार हॉल से प्रस्थान कर रहे हैं। इसके साथ ही दरबार हॉल में आयोजित ये विशेष समारोह अब संपन्न हो रहा है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।